दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन लुभाने वाला, एक इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला और एक चित्त के अंदर समाधि देने वाला और नई नई बातें बताने वाला, गूढ़ रहस्य बताने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी, रोजगार के संबंधी, धर्म दर्शन के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, अच्छा जीवन बनाने के संबंधी और उसके बाद में पर्सनली डेवलपमेंट के संबंधी बातों को बताने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और विषय बहुत गूढ़ होते हैं और हर विषय जीवन की कुछ न कुछ शिक्षा देता है। उसी क्रम के अंदर आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, अति भावुकता से बचें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भावुकता किसे कहा जाता है? भावुकता का मतलब है सेंसिटिव होना, आदमी जो है भीतर के अंदर बहुत गंभीर हो जाना और व्यहित हो जाना और अंदर उसके रोम रोम के अंदर करुणा का सागर लहराना है, वो भावुकता कहलाती है। करुणाशील वह व्यक्ति होता है जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, भीतर प्योरिटी होती है, वही करुणाशील हो सकता है। और देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में चार तरह की बड़ी क्वालिटी की बातें आती है। एक तो होती है हमारी करुणा, एक होती है मुदिता और एक होती प्रमोद भावना और एक मध्यस्थ भावना। ऐसी सुंदर सुंदर जो है हमारे मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थाश्च, ये ऐसी सुंदर भावना है। व्यक्ति अगर इन भावनाओं को जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसी से जुड़ी हुई आज हमारा विषय, हमारा एपिसोड है, अति भावुकता से बचें, वो करुणा से जुड़ा हुआ है। देखिए, व्यक्ति भावुक कब होता है? जो करुणाशील होता है, जिसके अंदर जो है वो एक दरिया बहता है, प्रेम का दरिया बहता है, मैत्री का दरिया बहता है, वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के दुख को देख करके एकदम भावुक हो जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाता है, हे ईश्वर, इसके दुख को दूर करो और मुझे भी शक्ति दो, तन से, मन से, धन से इसका दुख दूर करने के अंदर मैं सहयोगी बनूं। ऐसी भावना उसके भीतर के अंदर होती है, वो आप्लावित हो जाता है। इसका कारण क्या है? हम सही दिशा के अंदर चल रहे हैं और हमारे अंदर पाप भीरुता है, हमारे अंदर जो है मैत्री की भावना है, हमारे भीतर जो है एक अच्छा गुण डेवलप हो रहा है, एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया चल रही है, एक अच्छा मानव बनने जा रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा एपिसोड है अति भावुकता से बचें। करुणा अच्छी है, परंतु क्या है कि आज का जो व्यवहार जगत है उसके अंदर कई तरह के लोग होते हैं। इसी दुनिया के अंदर राक्षस रहते हैं, देव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और सभी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाटकबाज होते हैं और वो दुख को दिखाने का नाटक करते हैं, वो ठगने का कार्य करते हैं, तो और वो इस तरीके से अभिनय करते हैं कि वास्तव के अंदर बहुत दुखी है। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे होशियार होते हैं, अंधे बन जाते हैं, अंधे बनने का नाटक करते हैं और अपने पैरों को बांध करके लंगड़े बनने का नाटक करते हैं, मूक बनने का नाटक करते हैं, बधिर बनने का नाटक करते हैं। और कई ऐसी युवतियां होती है जो छोटे छोटे बच्चों को ले आती है और वो गूंगी बन जाती है और लोगों से वो सहयोग मांगती है और ठगने का कार्य करता है। ऐसी बहुत सी अति भावुकताएँ हो जाती है जो इंसान को छलना चाहती है, ऐसी हमारे जीवन के अंदर बहुत आती है। कई इस तरीके से लोग होते हैं जो बता देते हैं कि भाई साहब, मेरी जेब कट गई, मेरे घर पहुंचने के लिए पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मेरी बीवी जो हॉस्पिटल के अंदर बीमार है और मुझे उसका ट्रीटमेंट कराना है। नाना नाना तरह की ऐसी बातें करते हैं और वो इतने होशियार होते हैं, इतने प्रोफेशनल होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं, आँखों के अंदर आंसू निकालते हैं और इतना एक्टिंग करते हैं कि जो रियलिटी के अंदर जिसको दुख होता है, तकलीफ होता है, उससे ज़्यादा वो नाटक करते हैं। तो ये हमारा जो आज का विषय कहते हैं कि ऐसे नाटकबाजों से बचना चाहिए, जो वास्तव के अंदर रियल जो कष्ट में है उसकी मदद जरूर करना चाहिए,
परंतु ऐसे ठगने वाले लोग क्या करते हैं हमारे समाज के अंदर, वो हमारे से पैसा ऐंठ करके, हमारे से सहयोग करके उसका दुरुपयोग करते हैं। रात्रि के अंदर उस पैसे से जो है वो अय्याशी करते हैं, उस पैसे से जो है वो शराब पीते हैं और बुरे कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने अति भावुक होकर के उसके अभिनय को देख करके, उसकी नाटकबाजी को देख करके और हमने उसका सहयोग किया। इसका मतलब हम किसी भी गलत चीज़ का अनुमोदन कर रहे हैं, गलत चीज़ का सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए ये आज का विषय रखा है, अति भावुकता से बचें। और ऐसे हमारे रोजमर्रा का हमारे जीवन के सामने आती है, जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, सड़क पर होते हैं, कहीं पर होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी नाटकबाजियाँ देखने को बहुत मिलती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं रियल सेंस के अंदर करुणा की बात करता हूँ तो दो मैं अपने भारत के अंदर जन्मे हुए धर्मों को कोट करना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले आज से 2500 साल पूर्व जैन धर्म का जन्म, वैसे तो ये सनातन धर्म है लेकिन मैं इतना दूर आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ, भगवान ऋषभ तक नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं भगवान महावीर की बात करता हूँ। भगवान महावीर वैशाली के राजकुमार थे, उनका बहुत बड़ा गणतंत्र था बिहार के अंदर, वैशाली के अंदर, और क्षत्रिय कुंड ग्राम के अंदर वहाँ जन्मे थे। और उसी तरीके से भगवान बुद्ध, जिनको कि बौद्ध गया के अंदर जो है उनको ज्ञान मिला, वो भी बिहार के रहने वाले थे, वो भी राजकुमार थे। इन दोनों की करुणा देखिए, करुणा से आप्लावित होकर के उन्होंने संयम मार्ग संन्यास को ग्रहण किया। मैं एक एक बताना चाहता हूँ। पहले भगवान महावीर ने देखा कि वैदिक धर्म के अंदर पशुओं की बलि दी जा रही है, बेचारे मूक पशु जो कि बोल नहीं सकते हैं और उनकी हत्या की जाती है, उनका उनका छुरे से गर्दन काटा जाता है और उनकी बलि चढ़ाई जाती देवी के सामने, और ये कहा जाता है कि देवी खुश होती है पशु बलि। तो वो मन के अंदर उनको बड़ी करुणा आई, क्योंकि भगवान महावीर बहुत शुद्ध आत्मा थे और आगे जाकर के वो तीर्थंकर बने और मुक्ति को प्राप्त किया। जो प्योर आत्मा होती है उसके भीतर ही किसी का दुख देख करके और करुणा जागृत होती है। दूसरा, उन्होंने दास प्रथा को देखा कि मनुष्यों को, स्त्रियों और पुरुषों को सरेआम चौराहे के ऊपर, जिस तरह से भेड़ बकरी बेचे जाते हैं, उनकी बोली लगाई जाती थी और उनको बेचा जाता था, और जो खरीदता था बकायदा दास की तरह रखता था, उसके साथ बुरा वर्ताव करता था, जैसे कि पशु पक्षियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसा मनुष्य के साथ व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उसको एक वस्तु समझा जाता था दास रूप के अंदर, और उनके साथ के अंदर इस तरीके से बुरा व्यवहार किया जाता था। उससे भगवान, उस भगवान जो राम, भगवान महावीर है, वो बहुत ही चिंतित हुए और बहुत करुणा के अंदर डूब गए। तीसरी बात, स्त्री को धर्म करने का अधिकार नहीं था, स्त्री धार्मिक कार्यों में नहीं आ सकती, ऐसा माना जाता था कि स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती और उसको धर्म करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको मनुष्य के बराबर कोई अधिकार नहीं था इस तरह। और दूसरा, जातिवाद बहुत ज़्यादा था, व्यक्ति कर्म से महान होता है, ये उन्होंने बताया, व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, ये भगवान महावीर ने बताया कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म ले लिया और कुकृत्य करता है फिर वह पूजनीय रहता है, ये गलत है। एक शूद्र के घर में जन्म लेकर के अगर वो अच्छा कार्य करता है तो वो पूजनीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है, यानी वो कर्म से महान होता है व्यक्ति, जाति से महान नहीं। इस तरीके की तकलीफें समाज के अंदर आ रही थी, उसके विरुद्ध उन्होंने क्रांति की और उन्होंने जैन धर्म का जो है प्रादुर्भाव किया और इन सब बातों का समावेश किया। और वह करुणा, उसकी धुरी में करुणा है, पूरे जैन धर्म में करुणा धुरी में है, मध्य में है, सेंटर में है, कि जिस जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार इस चराचर जगत के किसी भी प्राणी के साथ में नहीं किया जाना चाहिए, मनुष्य मात्र से नहीं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी एनिमेट्स हैं, उनके साथ के अंदर दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
अब दूसरा एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ये भी राजकुमार थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध में सिर्फ 250 वर्षों का अंतर था। पहले भगवान महावीर हुए, फिर भगवान बुद्ध हुए, और दोनों बिहार की धरती पर हुए। दोनों राजकुमार थे और बहुत बड़ा राजपाट था उन्होंने। तो उन्होंने किस तरीके से, उनको दुख हुआ, उन्होंने सबसे पहले किसी बूढ़े आदमी को जाते हुए, कुबड़ा जिसका कि जो है वो कमर झुकी हुई थी, तो उन्होंने अपने सारथी को कहा कि ऐसा भी जीवन होता है कि उन्होंने कहा महाराज ये बुढ़ापा हरेक के लिए आता है। तो उन्होंने चिंतन किया कि कोई ऐसा शाश्वत सुख है कि बुढ़ापा आए ही नहीं, व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो ही नहीं। तीसरा कोई सब दूसरा सब यात्रा जा रही थी तो सारथी से फिर पूछा कि ये क्या हुआ है कि भगवान ये जो है पहले जिंदा था अब मर गया, अब इसकी लाश को ले जाया जा रहा है, शव यात्रा ले जा रही है। तो उनके मन के अंदर एक करुणा हुई कि क्या ऐसा एक शाश्वत धर्म है, ऐसी कोई चीज है जिससे कि मनुष्य शाश्वत सुख को प्राप्त करे। तो इन दुखों को देख करके उन्होंने जो है वो चार आर्य सत्य दिए। और भगवान जो बुद्ध ने ये कहा सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, द कॉज ऑफ द सोरो इज विशेस, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द सोरो यू डिमिनिश ऑल योर विशेस। उन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर दुख का कारण है आसक्ति है, दुख का कारण ममत्व है, दुख का कारण लोभ है। आप उस आसक्ति को ममत्व को छोड़ेंगे तो उस दुख से आपको मुक्ति हो सकती है, और उससे बिल्कुल संपूर्ण छोड़ दिया जाए है तो आप शाश्वत अवस्था जो आत्मा की सिद्धि की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है, वो प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दो करुणा के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो आज इस एपिसोड को जो है वर्तमान सिनेरियो से जोड़ते हैं कि आज हमारे समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर असंवेदनशीलता बहुत ज़्यादा फैल रही है। व्यक्ति को व्यक्ति के दुख के प्रति कोई करुणा नहीं है, वह बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है और न उसकी मदद के लिए काम आता है। तो लेकिन दुख किसी के साथ भी आ सकता है, क्योंकि ये तो इस जगत जो है वो संचरण करता है, वही संसार कहलाता है। आज किसी के साथ घटित हुआ है, कल हमारे साथ भी घटित हो सकता है, और दुख आने का कारण अज्ञान है, कर्म है, हरेक के साथ आ सकता है। लेकिन समाज उसको कहा जाता है कि व्यक्ति कष्ट के अंदर है, व्यक्ति प्रॉब्लम के अंदर है, व्यक्ति अशांति में है, तो दूसरे लोग जो उसकी मदद करे, उसका सहयोग करे, और जो सभी सुखी हैं तो फिर सहयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई गरीब है, कोई अभाव में है, कोई चिकित्सा के लिए जो है वो तड़फ रहा है, कोई शिक्षा के लिए वो होशियार प्रतिभावान है, शिक्षा नहीं ले पा रहा है, पैसे का अभाव है, तो ऐसे समय में लोगों की मदद की जानी चाहिए। इसीलिए समाज बना है, और समाज के अंदर ऐसे मूल्य, सहयोग के मूल्य पैदा किए हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा मूल्य है भावुकता। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, रियल सेंस के अंदर भावुकता आती है, हमारे लिए बहुत अच्छी है। और देखिए, जो व्यक्ति अगर भावुक, आज अगर सारा संसार, सारे लोग और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर 80 करोड़ युवा है। उन युवाओं और बच्चों को हमें शिक्षा देनी है कि जीवन के अंदर भावुकता को पैदा करो। किसी के कष्ट को देख करके हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए, ये कष्ट उसको नहीं है, ये कष्ट मेरे को है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। भारतवर्ष एक ईश्वर प्रदान देश है, आचार प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है। हे ईश्वर, इसके दुख को दूर करो, क्योंकि आप महान हो, आप शक्तिशाली हो, और आप करुणा के सागर हो, सबकी रक्षा करने वाले हो। उसके अतिरिक्त जो उसे प्रयास करना चाहिए कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरी क्या हैसियत है कि तन से, मन से, धन से मैं उसका थोड़ा सहयोग करके, सेवा करके इस कष्ट को दूर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से समाज के अंदर जब ये भावना पैदा होती है, भावुकता की भावना, करुणा की भावना, तब समाज जो है जुड़ता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो मूल्य आते हैं वो धर्म से आते हैं। धर्म के लिए कहा गया है कि धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो। धर्म ऐसा तत्व है जो एकदम मंगल है,
सबका मंगल करने वाला है, सबका हित करने वाला है और सबको शरण देने वाला है। और धम्मम शरणम गच्छामि, हम धर्म की शरण के अंदर जा रहे हैं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर धर्म की भावना, और धर्म कौन सा, अहिंसा संयमो तवो, सच्चा धर्म वो है जिसमें अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ होता है प्राणी मात्र को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, प्राणी में स्वयं भी आ गया, अपने आप को भी जो है तीन करण तीन योग जो बताए गए हैं इनसे अपने आप को कष्ट न देना, ये अहिंसा की सूक्ष्मतम व्यवस्था है। और संयम, संयम के लिए कहा है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, इस चराचर जगत में 84 लाख जीवा योनि है उन सब के प्रति जो है वो संयम करना अहिंसा है। संयम का अर्थ यह है हम खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोचने में, चलने में किसी की प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, एक चींटी भी हमारे पैर से नहीं मरे, कोई दुखी नहीं हो। और दुख का भाव जो सबसे बड़ी गहरी बात है कि किसी व्यक्ति को कष्ट देने का भाव हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। सबसे पहले दिमाग के अंदर भाव आता है, भाव से विचार बनता है, विचार से आचार बनता है, आचार से व्यवहार बनता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। और अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति वह कहलाता है जिसके भाव अच्छे हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ए भावुक बनने के लिए, करुणाशील बनने के लिए भाव शुद्धि पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि अपने भीतर किसी के प्रति कोई भी बुरा चिंतन मत करो, विधायक भाव रखो, नो नेगेटिविटी, हमारे भीतर नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और अगर नकारात्मक भाव आ भी रहे हैं उसके सामने शुभ भावों को खड़ा कर दो। जब हमारे एक छोटे कष्ट के सामने बड़ा सुख खड़ा हो जाता है तो हम छोटे कष्ट को भूल जाते हैं। उसी तरीके से हमारे अशुभ भाव आ रहे हैं उसके सामने शुभ भाव को खड़ा कर दो। शुभ भाव को खड़ा करेंगे तो अशुभ भाव तिरोहित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दब जाएंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे। इस तरीके से शुभ का चिंतन करते 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 जो है हमारे भीतर जो है सारी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी के अंदर बदलनी चालू हो जाती है। और जहाँ जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ प्योरिटी होती है। और प्योरिटी होते होते एक समय ये आता है ये पूरा शरीर जो है वह एक कंचन प्योर हो जाता है और उस शरीर से जुड़ी हमारी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा, वो तो शुद्ध है ही है, वो तो 24 कैरेट का सोना है, लेकिन वो उस पर अशुद्धि का आवरण आया हुआ है। वो अशुद्धि का आवरण किस लिए है कि ये जो एक पुतला, जैसे मैं अपने आप, मेरा नाम सोहन राज है, सोहन राज नाम का पुतला जिसके मन है, वचन है और काया है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया और सोहन राज के नाम की सर्व माया आ परमात्मा प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे भीतर जो है पॉजिटिविटी को हमें बढ़ाना है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम बात करें, आज विश्व को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और एक अच्छा जीने योग्य हम इस वसुधा कुप्रति को बनाना चाहते हैं तो हमारे भीतर संवेदनशीलता आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए। करुणा की भावना से व्यक्ति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, कभी भी किसी के साथ में शोषण नहीं करेगा, वह धोखा नहीं देगा और किसी के साथ झूठ नहीं बोलेगा, कपट नहीं करेगा, क्योंकि ये करुणा का प्रभाव होता है। उसी कारण से ये मूल्य हमारे में खड़े हो जाते हैं। एक करुणा एक ऐसा मूल्य है बहुत से अच्छे मूल्यों को लेके आती है। इसी तरीके से हमारे भीतर अगर नकारात्मक भाव है तो वो नकारात्मक भाव कई नकारात्मकता को लेकर के आते हैं। ये हमारा जो चराचर जगत है, हमारी जो नेचर माँ है, सृष्टि माँ है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों हैं। नेगेटिव एनर्जी इंसान ने छोड़ी है और पॉजिटिव एनर्जी है वो पृथ्वी माँ का क्रिएशन है, नेचर माँ का क्रिएशन है। हम क्या मांगते हैं अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, विधायक भाव किसी के प्रति, करुणा का भाव किसी के प्रति,
भलाई का भाव, तो कॉस्मोस से जो है डायरेक्ट हमें वो एनर्जी जो पॉजिटिविटी की हमको मिलती है, और हमारा आभा मंडल हर प्राणी के ये जो सिर है उस सिर के पीछे एक वलय बनता है। आपने कभी महापुरुषों का चित्र देखा होगा, उनके पीछे गोला बनता है, वो गोला ओरा कहलाता है। यानी आपका जैसा चिंतन होता है उसके अनुरूप जो आभा मंडल बनता है ओरा बनता है। और आजकल तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, इन फोटोग्राफी ने इतनी तरक्की की कि उस ओरा के फोटो लिए जाते हैं। ओरा के अंदर जैसे हमारा भाव होता है वो हमारे भीतर के चिंतन को प्रदर्शित करता है। अच्छे भाव होते हैं तो अच्छी पिक्चर आ जाती है, और नकारात्मक खोटे भाव होते हैं तो खोटे भावों की वो चित्र आ जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो, दिलचस्पी ले रहे हो। कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। प्रतिदिन जो विषय दिए जाते हैं, जो वो बातें बताई जाती है, वो ग्रहणीय है, अनुकरणीय है, जीवन में उतारने लायक है। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण। और जय जगत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, करुणामय हो, और आप खूब करुणामय होकर के और समाज की सेवा करें, परोपकार करें, और आनंद के साथ जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल।